नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज गए हैं और ये वो वक्त है जब पूरे देश को एबीपी न्यूज के इस शो का बेसब्री से इंतजार होता है। आज रविवार का दिन है और आज हम एक घंटे के शो में यूपी से लेकर उत्तराखंड और साथ ही पंजाब तक का मूड जानेंगे। जनता आखिर क्या सोच रही है? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वोटरों के मन में क्या चल रहा है? आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होने जा रहे हैं इस बार? हमारे साथ हमारे ग्राउंड रिपोर्टरों की भी टीम है, साथ में एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देखिए इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं, मेरे पीछे जो आप ये नजारा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसी जगह है ये जो हमेशा चर्चा में रही है। मैं अयोध्या के इस वक्त सरयू किनारे पर खड़ी हूं और जो हमारा पहला सवाल है आज इस साप्ताहिक सर्वे का, वो इसी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सवाल आज उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में जरूर उठ रहा है। तो देखिए पहला सवाल कौन सा है? सवाल है, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर अयोध्या विधानसभा सीट होती है योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की, तो इसका फायदा होगा या फिर नहीं? तो देखिए सामने आंकड़े हैं आपके, हाँ कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 56% का, 56% कहते हैं फायदा होगा, लेकिन ना कहने वाले 31% हैं जो मान रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, लेकिन 13% ऐसे भी हैं जो श्योर नहीं है, यानी कि जिन्हें नहीं पता कि फायदा होने जा रहा है या फिर नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल कि आखिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अगर लड़ेंगे चुनाव तो फायदा बीजेपी को होगा या फिर नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग, 56% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि फायदा बीजेपी को होगा अगर योगी आदित्यनाथ चुनते हैं यहां पर अयोध्या को अपनी विधानसभा सीट जहां से चुनाव लड़ें। चलिए अब इसी सवाल को लेकर ग्राउंड जीरो पर चलने का वक्त हो गया। हमारे साथ कई सहयोगी मेरे हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं अजय दुबे, इस वक्त उन्नाव से जुड़े हुए हैं, संजय त्रिपाठी जो लखनऊ से हमारे साथ हैं। संजय मैं आप ही के पास आती हूं। सबसे पहले हमारे सर्वे में 56% को लगता है अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। जरा आप ग्राउंड पर टटोलिए इस सवाल को, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए भाजपा की राजनीति जो है ना सिरिन, वो राम के नाम से शुरू होती है और राम मंदिर आपने देखा कि इस तरह से बन रहा है, तो निश्चित रूप से जो सवाल है वो बड़ा मौजू है 2022 के चुनाव के लिहाज से। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक सिंह है और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव है। मैं अशोक सिंह से शुरुआत करता हूँ। अशोक जी, क्या लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव में अयोध्या से उतरे मैदान में, क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अब हार कबूल कर ली है। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे मथुरा की बात करे, अयोध्या की बात करे, आज महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि जिसमें किसान अगर उत्तर प्रदेश पर हो रहा है, मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात कर रही है? तो मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। कभी राम की बात होगी तो राम तो सबके हैं, रहीम भी सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से क्यों भटकर 2017 में जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस पर चर्चा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है? एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? तो सरकार भाग रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र की सरकार ने हार कबूल कर लिया। उत्तर प्रदेश की जनता किसी प्रयोग में नहीं आ सकती है, मथुरा के में, अयोध्या के में, किसी और प्रयोग में। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश का किसान अपना हक चाहता है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित चाहती हैं अपने आप को, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रयोग, कभी दलित के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, बहुत सारे प्रयोग 32 साल से हुए हैं। अब कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं जनता चाहती है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता परिवर्तन चाहती है। हम एक नई सरकार देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रयोग अब जनता नहीं स्वीकारेगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है। आप क्या मानते हैं, आप समाजवादी पार्टी से? देखिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ नया प्रयोग करने जा रही है। वही पुरानी, वही लाइन, वही राम मंदिर, वही हिंदुत्व की बात और वही राम मंदिर के सहारे चुनावी प्रक्रिया में जाना। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर इस तरह की बात कही जा रही कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, तो मैं तो सीधा आरोप डेवलपमेंट पे आता हूँ। गोरखपुर में क्या काम नहीं कराया था क्या जो मंदिर के सहारे हैं? कोई भी नेता और खासकर मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, जो विश्व में 6वां देश है, वो अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह के अगर वो व्यक्ति दूसरे जिले से लड़ने जा रहा है, अपने जनपद में चुनाव और लड़ने की स्थिति पे भी नहीं आ पा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बात स्पष्ट हो गई कि सब कुछ खोखला है, सारे दावे खोखले हैं, सारे दावे झूठे हैं, सरकार ने कुछ नहीं कराया। और दूसरी महत्वपूर्ण, जब आप जाओगे अयोध्या लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी,
तो वहाँ चंदे चोरी वाला और जमीन का घोटाला जिसकी जांच आपने स्वयं रिकमेंड की है कि जांच करिए कि इतने अधिकारियों ने नेताओं ने कैसे वहाँ जमीनें खरीद ली, इन सब का सामना योगी आदित्यनाथ को करना पड़ेगा। भगवान राम सबके हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, जिसकी आस्था है उसमें भगवान राम है। और जो राम का नाम लेके, वैसे वो पिक्चर वाला डायलॉग था ना, राम नाम जपना और पराया माल अपना, वो वाली बीजेपी है और वही कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, तो योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या चुनाव लेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी? नहीं सर, बीजेपी को फायदा कैसे मिलेगा, क्योंकि अब जनता जाग गई है। पहले जनता सोई हुई थी, जो अभी 5 साल पहले जो योगी जी की सरकार आई है उसमें जनता सो गई थी, इतना नहीं पता था जी। कई बार होता है कि लोग बदलाव भी चाहते हैं, सोचा होगा कि चलो बदलाव देके देख लेते, लेकिन ये नहीं पता था। मोदी जी कहते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तो हम हाथ जोड़ के मोदी जी से कहते हैं कि हमारे बुरे दिन ही वापस दे दो, हम तो बुरे दिनों में बहुत खुश हैं। राजनीतिक दलों के लोगों का मानना है कि इस नए प्रयोग से बहुत फायदा नहीं मिलेगा, ये अलग बात है कि जनता जो एबीपी न्यूज़ का सर्वे है उसके हिसाब से मानती है कि निश्चित रूप से बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से चुनाव लड़ने का अच्छा खासा फायदा मिलेगा। श्रीन बिल्कुल, क्योंकि देखिए राम के नाम पर, क्योंकि आस्था का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सियासत किस कदर होती है ये हम सभी जानते हैं, इसीलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मैं अजय दुबे आपके पास आना चाहती हूँ, आप भी जरा पूछिए वहां मौजूद अपने आसपास के लोगों से, क्या उनको लगता है अगर इस बार भी राम नाम के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या चुनते हैं चुनाव के लिए, तो उनके हिसाब से कैसा रहेगा? निश्चित ही प्रभु श्री राम का नाम और अयोध्या की जो भूमिका है चुनावों से पहले और चुनावों में भी बनी हुई है, जितनी भी रैलियां होती है कोई नारा रहता नहीं है ऐसा जब प्रभु श्री राम का नाम ना लिया जाए नारों के बीच में, और इस भूमिका के बीच में लोग क्या सोचते हैं उन्नाव के, ये भी जानना बेहद रोचक रहेगा। आप मुझे बताइए साहब, क्या लग रहा है अयोध्या से लड़ेंगे योगी जी चुनाव तो फायदा मिलेगा पूरा उत्तर प्रदेश? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पूरा पूरा फायदा मिलेगा। मुद्दे क्या क्या रहेंगे, अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा, योगी जी सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएंगे कि और भी मुद्दे रहेंगे? अरे मंदिर ही बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, मंदिर बनना, उससे और क्या चाहिए? आप बताइए साहब, मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, अगर महाराज जी लड़ लिया अयोध्या से, पूरा यूपी की राजनीति जैसे बीजेपी कह रही है 350 पार हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि राजनीति कहाँ किस रुख पे लेके जाती है, हिंदुत्व वाली भावना को जो जगा रहे हैं उस भावना को लेते हुए ये सीटें पार कर सकते हैं। जग रही है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, जग रही है, खूब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश सफल होगी तो 300 पार होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। चुकी है क्या, क्या कह रहे हैं? असली पिक्चर बाकी है, ये अपना ये अयोध्या ये बनारस एक जाती है। अंकल जी वो तो अटक रहे, आप पूरा करिए, क्या कह रहे थे? हाँ, अभी अयोध्या में मंदिर बन गया है, ये भाजपा की एक बड़ी देन है और हम लोगों को बहुत सुंदर लगा है। अरे बन रहा है, अच्छा भूमिका अयोध्या मंदिर का हो गया बात, लड़ेंगे चुनाव तो फायदा मिलेगा क्या? मंदिर तो मुद्दा बनने की कोशिश है, ये चुनाव अगर लड़ लिए योगी जी तो मिलेगा पूरे यूपी में फायदा? बिल्कुल, हिंदुओं में मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा है और वो बन रहा है, शीघ्र बनेगा। नए श्रद्धा की बात कर रहे हैं अंकल जी, आप भी तो नए नए वोटर हैं, नए मुद्दों पे बात हो रही है भी नहीं है, वो थोड़ा अपोजिट भी जा सकता है, हो सकता है कि बाय चांस बीजेपी की 300 के अंदर सीट आ जाए और सपा बाजी मार जाए। लेकर के हम ये चीज नहीं कह सकते ना, हर चीज को लेकर के हमको ये चीज कहना पड़ेगा, हर तरफ से विकास को लेकर के कहना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मान रहे हैं, लेकिन अगर वो बार बार बात एक जो की जा रही है ना, अभी तो बीजेपी के लोग अंदरूनी सर्वे भी किए, मैं ये नहीं कहता हूँ बीजेपी बुरी है, लेकिन अगर चुनाव को देखते हुए सिर्फ मंदिर ही मुद्दा नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो मंदिर की भी राय है, उन्नाव के लोगों की राय और उन्नाव के लोगों की राय, जो मंदिर को लेकर पूरा विषय और जो अयोध्या में चुनाव लड़ने को लेकर है उस पर देखने को मिल रही है जी। बिल्कुल, और देखिए लोगों की राय ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ दिबांग, क्योंकि 56% ये कह रहे हैं अगर गोरखपुर से निकलकर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ तो फायदा होने जा रहा है बीजेपी को, आपका आंकलन क्या कह रहा है? यार देखिए, फायदे की उम्मीद है बीजेपी को और इसलिए वो बदलाव करना चाहेगी, लेकिन एक समझने वाली बात ये भी है कि आप मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही जो ये मुद्दा है ये और दूसरी पार्टी को इनसे ले नहीं सकती, ये इसी पार्टी का मुद्दा है, इसी के साथ रहेगा। तो योगी अगर वहां जाते हैं उससे क्या गुणात्मक परिवर्तन आएगा, ये एक सोचने की बात है। ये जरूर होगा कि लोग ये कहेंगे कि योगी जी जो अपनी पिछली कॉन्स्टिट्युएंसी थी वहां से गोरखपुर से क्यों नहीं लड़ रहे, अयोध्या क्यों उनको जाना पड़ रहा है, ये एक ऐसा सवाल होगा जिसका उनको एकदम रीजनेबल जवाब देना पड़ेगा, कारण बताकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये हो सकता है उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इस समय राम मंदिर अयोध्या का जो मुद्दा है वो केवल भाजपा का है, कोई उनसे छीन नहीं सकता। योगी जी वहां जाएं
न जाएं, वो मुद्दा उनके साथ है, वो मुद्दा लेकर वो पार्टी आगे चल रही है, उसको वो पूरा भुनाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आप अगर गोरखपुर छोड़ते हैं तो उसका गोरखपुर पर क्या असर पड़ेगा, उस पर उसको विरोधी किस तरह से उछालेंगे, ये एक तोलने वाली बात होगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और देखिए वही हम लोगों से भी सुन रहे थे, हम राजनीतिक दलों से भी यही सुन रहे हैं कि ये अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर विपक्षी दलों को एक मौका मिल जाएगा ये कहने का कि देखिए बीजेपी के पास राम नाम के अलावा कोई और दूसरा विषय है ही नहीं चुनावों में उतरने के लिए। इसीलिए सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमने लोगों से पूछा है। लेकिन सवालों की लिस्ट लंबी है, इस फहरिस्त में और भी सवाल हैं जो पूछा गया लोगों से। लेकिन आप सबसे पहले मेरे, देखिए मेरे पीछे आप इस जो हाईवे को देख रहे हैं, इसे देखकर वैसे आप समझ गए होंगे अगला सवाल किससे जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। देखिए पीएम की सुरक्षा में चूक जो हुई वो साजिश है या फिर महज सियासत, ये महत्वपूर्ण सवाल जब हमने लोगों से पूछा है तो सी वोटर के सर्वे में क्या निकल कर आया कि पीएम की सुरक्षा में चूक साजिश है या फिर सियासत का हिस्सा। तो आप अब देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के मन में आखिर इसको लेकर जब ये सवाल उठता है तो उनके जहन में सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि ये सियासत का तो बहुत बड़ा एक मसला बना ही, लेकिन आखिर असलियत क्या है ये तो देखिए बात की बात है। लेकिन लोग क्या मन बनाकर बैठे हैं पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई उससे। अब जवाब आपके सामने है, साजिश कहने वाले लोग जो हैं वो 55%, यानी कि 55% लोगों को ये लगता है कि ये साजिश है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, जो लापरवाही हुई, वो साजिश का हिस्सा है। लेकिन सियासत कहने वाले लोग जो वो हैं वो 44% कह रहे हैं कि ये सियासत है और इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ सियासत की जा रही है। 1% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ये दोनों है, यानी कि साजिश भी है सियासत भी है। लेकिन ये आंकड़ा कह रहा है कि जो ज्यादातर लोग हैं यानी 55% लोग, वो कह रहे हैं कि ये सियासत से हटकर साजिश है, ये साजिश हुई है और साजिश के तहत ही ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखने को मिली है। अब ग्राउंड का रुख कर लेते हैं, संजय आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। 55% कह रहे हैं साजिश, आप भी लोगों से बात कीजिए क्या लगता है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जो देखने को मिली। बिल्कुल शिरीन, जब से ये घटना हुई है उसके बाद से ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। मैं मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे शुरुआत करता हूँ। जो प्रधानमंत्री के साथ वाकया पेश आया आपने देखा पंजाब में, वो ज़्यादातर लोग एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ये कह रहे हैं कि ये साजिश थी, आप क्या मानते हैं? देखिए अगर साजिश थी तो फिर प्रधानमंत्री जी ना तो स्वयं की सुरक्षा में अपने आप को सही सुदृढ़ दिखा पा रहे हैं देश के सामने और ना ही देश की जनता की सुरक्षा कर पा रहे हैं। अगर साजिश थी तो SPG क्या कर रही थी, अगर साजिश थी तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, क्या सब चुनाव ड्यूटी पे ही लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। और फिर अगर सुरक्षा की बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री की जितनी इंपॉर्टेंट सुरक्षा है उतनी ही महत्वपूर्ण देश के अन्य नेताओं की भी है। आपको घटना याद होगी कि कैसे कांग्रेस के लीडर्स को उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धता बना कि कहीं किसी को धक्का दिया गया, कहीं किसी को मार दिया गया, सारी चीज़ें तो हुई, तो उस पर क्यों इस सरकार कभी नहीं जागी? अखिलेश जी की सियासत कार्यालय में, हमारी पार्टी के कार्यालय में कभी भी कोई भी सरकार घुसेड़ देती है लाइव के लिए, किसी को भी घुसेड़ देती कार्यालय के अंदर जासूसी कराने के लिए। तो सुरक्षा सबकी महत्वपूर्ण है इस देश में। अगर बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि देव तुल्य नरेंद्र मोदी ही सुरक्षा महत्वपूर्ण है तभी देश सुरक्षित रहेगा, तो ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और देश की आंखों में आप सीधे सीधे लाल मिर्च झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि लाल मिर्च झोंकने जैसी बात है, आप क्या मानते हैं? जे देश के जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ है ये सोची समझी साजिश थी। देश के प्रधानमंत्री हैं जो 135 करोड़ जनता का पक्ष रखते हैं, उनके साथ ऐसी सुरक्षा का ऐसा होना ये घोर निंदा का काम है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने देश ने 2-2 प्रधानमंत्री ऐसे खोए हैं और हम ऐसी सुरक्षा में ऐसी वोट नहीं कर सकते। जो सुरक्षा है उनकी सुरक्षा हमें रखनी होगी। आम जनता कह रही है कि साजिश है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, मैं वाकया दिला दूं आपको, और देश का आपका चैनल पूरा देश देखता है, आपके सर्वे पर कोई सवाल नहीं, आपका काम अपना सर्वे करना है। प्रधानमंत्री जी कहीं बिरयानी खाने भी चले गए थे, देश को भरोसे में नहीं लिया गया था। पंजाब में अपने ही प्रदेश है, आप सवालिया निशान, आपके पास एजेंसी हैं, सारी चीज़ें हैं, पंजाब सरकार ने कमेटी गठित की, आपकी अपनी कमेटी गठित की है। सवाल आज जो कि 5 राज्यों के चुनाव है, मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरा कोई इरादा गलत निकल जाए, किसानों के साथ एक फ़ोन कॉल पर 700 किसानों की शहादत होगी देश में, कोई जवाब दे रहा है?
आज साजिश की बात हो रही है, नौजवानों पे बात क्यों नहीं हो रही, आज महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, मेरे भाग्य से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाए, ये मोदी जी कहते थे, अशोक सिंह ने तो नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है, चिल्ला चिल्ला कहते थे हवाई चप्पल पहने वाले व्यक्ति हवाई जहाज पर दिखना चाहिए, आज आम आदमी की कवर तोड़ दी है। आपके पास एजेंसियाँ हैं, आप क्यों नहीं कोई चीज़ें हैं, आप किस पर आरोप लगा रहे हैं, पंजाब को आप क्या घोषित करना चाहते हो, आप पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए थे क्या, आपने देश को भरोसे में लिया था, ये सवाल है पूरे देश की जनता पूछ रही है, 700 किसानों की शहादत हो गई, किसकी जिम्मेदारी है, आज आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है, हम किसी सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, जनता तय करने जा रही है 5 राज्यों पर, आप अगर तोड़ों की राजनीति करिए, आप विधायकों खरीदने की राजनीति करिए, ये देश की जनता समझ चुकी है, आप किसी प्रयोग में नहीं आने वाली है। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था, ये कर रहे थे हिंदू और मुसलमान और बीच में इनके पल्ले पड़ गया किसान, बात यह है कि इन्होंने किसानों के मुद्दों पे सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। किसानों का मुद्दा नहीं, किसानों का नहीं, प्रधानमंत्री के साथ जो पंजाब में हुआ उसको लेकर चर्चा हो। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बात पे सरकार को गंभीरता से बात करनी चाहिए, क्या सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, किसको पनिश किया गया अब तक बताइए ना, क्या पंजाब की सरकार की बर्खास्तगी की गई, मुख्यमंत्री चन्नी को क्या अब तक राज्यपाल ने या माफ करिएगा राष्ट्रपति ने कोई सवाल जवाब किया, किसी पे कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं जैसा कि कांग्रेस के साथी ने कहा और आम जनता ये बात करी, आपका सर्वे अपनी जगह उसके लिए आपको बधाई, लेकिन एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है और सियासत इसलिए है कि आज तक पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से वो आरडीएक्स कहाँ से आया, हमारे जवान कहाँ चले गए, उनकी शहादत के पीछे कोई भी जांच ये सरकार नहीं करा पाई, तो इस देश के हर व्यक्ति की जान का महत्व उतना ही है जितना प्रधानमंत्री जी का है, जितना मुख्यमंत्री जी का है और जितना आम आदमी का है, सबकी जाने बराबर। ये राजनीतिक दल के लोग हैं, आम लोग भी हैं जिनका मानना है, अपने अपने तरीके से सोचना है, जो विरोधी दल हैं लाजमी बात है कि वो नहीं मानेंगे कि ये साजिश था, वो सियासत बताएंगे, लेकिन आम लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये साजिश हुई है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, बड़ा विषय है। बिल्कुल संजय, और देखिए हमारा सर्वे भी यही कहता है क्योंकि यहां पर 55% लोगों को लगता है कि ये साजिश का ही एक हिस्सा है जो ये पूरा प्रकरण हुआ। अब अजय दुबे का रुख कर लेते हैं, अजय आप भी जरा बात कीजिए वहां पर लोगों से, क्योंकि 55% कह रहे हैं साजिश लेकिन सियासत कहने वाले 44% है, वहां लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर? निश्चित ही जिस दिन से ये घटना घटी है, जिस दिन से इस विषय में चर्चा छिड़ी है, हर दिन इस मामले में कुछ कुछ है और चर्चा उन्नाव में भी इस बारे में निश्चित ही हुई है, उन्नाव के लोग भी हमारे संग मौजूद है, भाजपा के नेता भी मौजूद है। साहब बताइए, जिस तरीके से पूरा पंजाब में प्रकरण घटा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, उन्नाव के लोगों से फीडबैक मिलता है कुछ आपको, क्या कहते हैं उन्नाव के लोग? बिल्कुल, उन्नाव के लोग क्या समस्त देशवासी कहते हैं, जिस कांग्रेस के दो दो प्रधानमंत्री साजिश और हत्या का शिकार हो गए, वो एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं कर सकती, ये सीधे सीधे साजिश है। लग रहा है आपको साजिश के पीछे कारण क्या लग रहा है? और इसको निश्चित कांग्रेस सरकार वो नहीं चाहती मोदी जी का, कह सकते कि कांग्रेस सरकार है, हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि देश में रहते हुए जिम्मेदारी किसकी थी, सुरक्षा की भी हो जिम्मेदारी लेती है। मास्क नहीं लगाया, थोड़ा ऊपर करिए, बताइए जब ठीक करिए पहले, फिर से इसको जब एसटीजी प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा एजेंसी है वो 5 किलोमीटर का दायरा लेके चलती है, जब पीएम का प्रोटोकॉल आता है उसके लिए नियम है, जब देश का प्रधानमंत्री कहीं पे जा रहा है तो कैसे कौन अटैक हो सकता है, ये भारतवर्ष का मामला है, भारत जब वो 5 किलोमीटर कहीं पे चलता है वो एक सुरक्षित, एक मिनट, देखिए ये एक प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री के रूट को सफल ले जाने के लिए, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, और उस प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा देने में नाकाम हुई है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए वहां की पंजाब की जनता। कैसे ये बोल रहे हैं जो बात, ये नहीं कह सकते कि वहां पे कांग्रेस ने अटैक, ये हो सकता है, ये क्या पाकिस्तानी की साजिश नहीं हो सकती है क्या, जो अरे सुरक्षा में जो चौक हुई है, जो सुरक्षा में कंट्रोल करेगा, क्यों पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, ये फेलियर सिस्टम है, पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता, पीएमओ का मतलब क्या होता, वो वर्ल्ड के सारे देश जा रहे वहाँ नहीं है, पंजाब जैसी छोटी जगह हो जाएगा, मैं नहीं मानने की कह रहे बात, आप बताइए भाई इतना तरह का ओपिनियन है क्या लोग? देखिए ऐसा है, ये जो लोग नादान है जिन्हें जानकारी नहीं है वो बोलेंगे, लेकिन ऐसा है प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में उत्तर उस सर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना, और अगर वो सुरक्षा देने नाकाम रही है तो ऐसी सरकार को वहाँ पंजाब की जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो एक प्रधानमंत्री को सुरक्षा ना दे पाए। जनता को क्यों फेंकना चाहिए भाई, जनता को क्यों फेंकना चाहिए, उसमें जो है क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार,
सरकार का आंदोलनकारियों को रूट कैसे पता चला? अगर ये साजिश नहीं तो आंदोलनकारी कैसे जाने कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे? इतनी जल्दी कैसे इतने आंदोलनकारी इकट्ठे हो गए? जो तुरंत बनाओ उसके लिए इन्होंने कैसे कर दिया? ये साजिश है, खुलेआम साजिश है। आपसे गड़बड़ी का कारण क्या लग रहा है? राजनीतिक इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम का दिख रहा है क्या? ये सिर्फ केंद्र और प्रदेश की खींचातान हुई है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के चन्नी जो है। बात तो बड़ी थी लेकिन ये बात सही है कि बात कही रहा था कि चर्चा हर जगह इस विषय में गलियों में भी रुचि थी, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। जाहिर तौर पर क्योंकि ये सिर्फ एक प्रदेश का मामला नहीं, ये राष्ट्र का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसीलिए दिबांग ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि अगर 55% मान रहे हैं कि ये साजिश है तो ये सहानुभूति बीजेपी को मिलेगी और क्या ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी इन चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत लिटरेचर मौजूद है, पूरी एक ब्लू बुक बनी हुई है किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री खोए हैं और उसके बाद से इस पर काफी गंभीरता से पूरे सिस्टम में सोचा गया है, पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा अभी भी और करवट लेगा और इसमें बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, वहां से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, इसकी जांच हो रही है, उससे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक मुद्दा है, जो ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी की पूरी सियासत हो सकती है और सियासत हो भी रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें, जैसा कि हम देख रहे थे लोगों से, आप जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, कि दोनों तरफ से इसमें कहने को बहुत कुछ है। अगर विपक्ष कह रहा है तो वही सत्ता पक्ष भी इसमें बहुत कुछ अपनी बात को रख सकता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो रहेगा, लेकिन क्या ये चुनावों तक रहेगा या बीच में रह जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्यों के चुनाव हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मेरे ख्याल से आखिर में वही ज्यादा आगे होंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं कह सकता हूं कि अभी ये ओपन है, अभी ये तय होना, अभी इस पर और भी बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी और भी वजहें मिलेंगी दोनों पक्षों को, विपक्ष को भी वजह मिलेंगी और जो सत्ता पक्ष है उसको भी वजह मिलेंगी अपनी बात को और पुख्ता तरीके से कहने का। ये जो हम देख रहे हैं ये एक तरीके से साजिश, अगर 55% बता रहे हैं वो इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि वो अपनी बात को उन्होंने बहुत ही प्रमुखता से रखा है सत्ता पक्ष ने। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें खींचतान आगे भी देखने को मिल सकती है, गंभीर मसला जरूर है, लेकिन राज्यों में चुनाव भले ही हो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे किस तरह से हावी हो जाते हैं ये भी हमने देखा है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार साप्ताहिक सर्वे में महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम जनता का मूड आपको बता रहे हैं। सर्वे में यूपी की ज्यादातर जनता ये कह रही है कि पंजाब में पीएम का जो काफिला रोका गया वो साजिश का हिस्सा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जनता का मूड कैसा है, जनता के मन में क्या चल रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम जनता के बीच जाते हैं, सी वोटर का सर्वे आखिर क्या कहता है हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, आप इस वक्त मैं कहां खड़ी हूं आपको अंदाजा हो जाएगा प्रधान, हम इस वक्त पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब विधानसभा के बाहर इस वक्त आप ये देख रहे हैं और पंजाब की जनता किन सवालों पर क्या कह रही है उनका आप रुख कर लेते हैं क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला सवाल जो जनता के बीच जाकर हमने पूछा है वो कौन सा सवाल है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सुरक्षा चूक से जुड़ा हुआ। ये सवाल महत्वपूर्ण है, गंभीर मसला, लेकिन लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं कि पीएम की रैली में जो सुरक्षा चूक हुई वो कैसे देख रहे हैं उसे? तो अब आप देखिए कि सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, लोगों के मन में इस सवाल को लेकर क्या चल रहा है, साजिश या सियासत? अब आप देखिए कि साजिश कहने वाले जो लोग हैं वो 16% हैं जो कह रहे हैं कि ये साजिश है, लेकिन जो मान रहे हैं कि ये सियासत है और सियासत की वजह से इस मुद्दे को इतना उठाया जा रहा है वो कहने वाले ज्यादा हैं, यानी कि 44% लोग कह रहे हैं ये सियासत है और जो दोनों मानते हैं वो आंकड़ा 16% का है। 16% जनता ये कह रही है कि ये साजिश भी और साथ ही सियासत भी, लेकिन 24% कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये साजिश है या फिर सियासत या फिर दोनों, लेकिन यहां पर सियासत कहने वाले लोगों का आंकड़ा 44% का है। अब चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर मोहाली से, सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ये बहुत बड़ा मसला पंजाब की में चुनावों के बीच जिस तरह से ये गंभीर मसला सामने आ रहा है इसे लेकर लोगों का ये कहना है कि सियासत और साजिश, लेकिन सियासत कहने वाले 44% हैं। आप भी जरा लोगों से बात कीजिए, वो कैसे देख रहे हैं इसे? जी, विधानसभा चुनावों से एन पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है ये हम लोगों से जरूर बात करेंगे पहले कि जो सर्वे है उसमें जो लोग कह रहे हैं 44% लोग कह रहे हैं कि ये जो दौरा है इसमें जो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जो खासकर इतना कुछ हुआ है वो 44% कह रहे हैं कि ये सियासत है। आप कैसे देख रहे हैं इसको?
जी ये बिल्कुल सियासत है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आए, इतना सिक्योरिटी लैप्स हो, इतना सब कुछ उनका रूट एट ए टाइम चेंज हो जाए। तो ये बेसिकली सियासत है और प्रधानमंत्री की रैली में जितना इकट्ठ होना चाहिए था उससे कई गुना कम हुआ है, तो इसी को लेकर ये सियासत खेली गई है और प्रधानमंत्री को यहाँ से जाना पड़ा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में जो अभी प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें जो सिक्योरिटी ब्रीच के जो एलिगेशंस हैं उनको लेकर जो सर्वे है उसके फाइंडिंग्स हैं कि 44% पंजाब में लोग कह रहे हैं कि ये सियासत है। 44% तो ज़्यादा लोग पंजाब के कहते हैं भी ये सियासत है। वह कारण है एक भी मोदी साहब ने अपनी फलॉप रैली नू देख के, असल च फलॉप रैली सी, उदा इमेज भी इस तरह का साडा ना बने, उन्होंने नवा एजेंडा तय करता भी देखो जी पंजाब के लोग ही माड़े ने, उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा च वह कर लिया। पर मैं तुहानू एक गल दसनी चाहूँगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा लई कोई पंजाब सरकार ही कली जिम्मेवार नहीं है, उन्होंने आईवी उहदे विच होर एजेंसी भी ने SPG, जिन्ना चिर वो क्लीयर नहीं कर दिया, जे पंजाब दे पंजाब दीआं एजेंसियां क्लीयर भी कर दिंदियां ने पुलिस वालियां तां फाइनल डिसीजन सेंट्रल एजेंसियां ने लैणा पुलिस दीआं ने। उन्हां ने यह डिसीजन लिया 140 किलोमीटर लंबी सड़क के उत्ते जे प्रधानमंत्री लेके जाऊंगे, वह तो वैसी सिक्योरिटी ब्रीच का पहले ही झंडा पहला बना के तुरे ने। और लोगों से जरूर इस सवाल पर बात करेंगे हम, आप क्या समझते हैं जो 44% लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा उठा है सिक्योरिटी ब्रीच का ये सियासत है असल में, जो 44% लोग जो हैं वो कह रहे हैं? असल में मोदी और चन्नी दोनों भाई भाई हैं, इसमें कोई दोनों की मिली हुई बात है ये वाली। चन्नी साहब और मोदी साहब दोनों मिलके ही जो सारा ड्रामा किया उन्होंने, 100% ये ड्रामा है, ड्रामे के बिना कुछ नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री आता हो, सिक्योरिटी ऐसे हो, कभी हो सकती है कभी आप लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी देखी कभी ऐसे? तो मैं तो जैसे सोचता हूँ जो मेरे दोस्त में सभी कह रहे हैं कि एक सिर्फ एक ड्रामा ये वाला और कुछ नहीं है। जी श्री, विधानसभा चुनाव से एन पहले ये जो मुद्दा उठा है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसे सियासत से जरूर जोड़कर देख रहे हैं पंजाब में लोग जो हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो मुद्दा उठा है खासकर। बिल्कुल, क्योंकि सियासत कहने वाले लोग और साथ ही सियासत के साथ साथ साजिश की तरफ भी लोगों का कहीं ना कहीं इशारा है। दिबांग, ये तो देखिए गंभीर मसला है ही, लेकिन चुनावों के बीच में जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ, पंजाब में इसका क्या असर देख रहे हैं, कैसे असर होगा इस मुद्दे का? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन अगर आप पंजाब को देखें तो पंजाब में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरह की उछाल की उम्मीद कर रही थी वो उनको इसमें दिखाई देगा। पंजाब के लोग ये समझ रहे हैं कि ये, और जो हमारा सर्वे भी है, देखिए ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि ये सियासत है। जिनसे भी वहां बात हो रही है वो यही इशारा कर रहे हैं कि भाई रैली में लोग नहीं आए थे, प्रधानमंत्री ने इंतजार किया और फिर उन्होंने सड़क मार्ग को चुना। अब इसमें अलग अलग दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष जब अपनी बात रखेंगे तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। लेकिन ये भी बहुत लोग इशारा कर रहे हैं कि उस दिन रैली में लोग दरअसल में आए बहुत कम हुए थे, क्या प्रधानमंत्री ने उसके ये फैसला किया? ये पंजाब में इसको भुनाने में मुश्किल होगी, इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। दूसरे राज्यों में जो हमने आपने पहले जो सर्वे दिखाया उसमें 55% लोग इसको साजिश मान रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में ये कहां तक रहेगा ये मुद्दा, इन चुनावों तक ये रह पाएगा कि नहीं, चुनाव में क्या असर ये दिखाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इसमें और बहुत सारी बातें अभी आनी बाकी हैं और ये असली सोर्सेस से, अच्छे सोर्सेस से, सही सोर्सेस से वो इसमें बातें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें बात आनी बाकी है। तो ये मुद्दा ऐसा है जो अभी कई करवट आगे बदलता हुआ दिखाई देगा और इसको राजनीतिक दल अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये मुद्दा पंजाब का है इसलिए पंजाब में इसका क्या असर होगा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ये जो आंकड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा एबीपी न्यूज पर है जो बताता है कि 44% लोग कह रहे हैं ये सियासत है। देखना होगा क्योंकि चुनावी राज्य है पंजाब और वहां पर ये पूरा प्रकरण, इसका फायदा या नुकसान या फिर किस तरीके का असर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा से चूक जुड़ा हुआ सवाल था ये, लेकिन आप अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, और सवाल महत्वपूर्ण क्यों है आप इस सवाल को पहले समझिए कि क्या आम आदमी पार्टी को CM उम्मीदवार घोषित करना चाहिए? आम आदमी पार्टी जो लगातार सर्वे में दिखाई दे रही है कि बढ़त बनाए हुए है, यानी यहां से गुड न्यूज
जरूर मिल सकती है आम आदमी पार्टी को, सर्वे ये कहता है, जनता ये कहती है, लेकिन ये सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि हाँ कहने वाले लोगों को का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, 71% कहते हैं कि चेहरा कर देना चाहिए घोषित, नहीं कहने वाले लोगों का आंकड़ा 14% और पता नहीं कह रहे हैं 15% जो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन सचिन 71% जनता ये कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी किस चेहरे पर आखिर चुनावी मैदान में उतर रही है, बताए तो लोगों से पूछे जरा वो क्या सोच रहे हैं। जी ये बहुत बड़ा फिगर है अपने आप में कि 71% लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो घोषित करना चाहिए पंजाब में विधानसभा इलेक्शन से पहले, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बड़ी जल्दी ये लोगों की इच्छा पूरी होगी, बड़ी जल्दी केजरीवाल जी अनाउंस करने वाले हैं पंजाब के सीएम का चेहरा, लेकिन जरूर तो है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस तो बड़ी पीछे रहेगी, बीजेपी का कुछ है ही नहीं है, अकाली दल बड़ी पीछे रहेगी कि अनाउंस उन्होंने किया ही नहीं कुछ, उन्होंने तो अभी तक एमएलए ने अनाउंस किया अपने, तो इतना प्रेशर आम आदमी पार्टी पे लोगों को भी नहीं डालना चाहिए और मीडिया को भी नहीं डालना चाहिए कि जल्दी जल्दी अनाउंस करो, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जी ये बहुत बड़ा फिगर है, हम बात जरूर करेंगे लोगों से, आप क्या समझते हैं 71% लोग जो हैं सर्वे में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम का कैंडिडेट अनाउंस करना चाहिए, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके इलेक्शन में जाना चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से सारा कुछ तैयारी है, बस एक दो दिन में शायद उम्मीद है कि केजरीवाल साहब हमारे अनाउंस कर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम होता है उसको आराम से करके देख के कौन बंदा ठीक है कौन गलत है सारा ठोक बजा के करना पड़ता है, ये हाईकमान की बात है ना, तो पब्लिक का काम है ना हमारा काम है, एक हाईकमान का काम है, वो एक दो दिन में उम्मीद है कि नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा फिगर है 71% लोग हैं सर्वे में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीएम का कैंडिडेट अनाउंस करके चलना चाहिए इलेक्शंस में। हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आया अभी किस पार्टी ने अनाउंस किया है, जो हमसे पूछ रहे हैं क्या किसी पार्टी ने बादल परिवार के बिना, क्योंकि उनका शोर के बादल साहब बनेंगे, क्या किसी पार्टी ने अभी तक किया है? या तो अगर किसी ने कर दिया तो वो हमें पूछें, हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा सीएम कौन होगा, उनके पास जवाब कुछ नहीं है। ठीक है मैडम, तो देखिए यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर जरूर लोग देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि भाई पार्टी बताए तो सही कि आखिर कौन से चेहरे के दम पर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी उतर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन पंजाब में सवाल और भी हैं जो जनता अपने मन में उनके जवाब लेकर बैठी है, और यही एबीपी न्यूज ने उनके मन की बात जानने की कोशिश की है। अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है, पंजाब चुनावों से जुड़ा हुआ सवाल है हरभजन सिंह को लेकर, कि हरभजन सिंह राजनीति में अगर आते हैं तो उनके लिए कौन सी पार्टी बेहतर होगी, लोगों को क्या लगता है हरभजन सिंह के लिए कौन सी पार्टी बेहतर विकल्प होगी, सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। यह सवाल जब पूछा गया तो कांग्रेस कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 22% का है, 22% लोगों को लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए हरभजन सिंह को, यह कहने वाले लोग 40% हैं, और अकाली दल 9% लोग मानते हैं, बीजेपी 9% लोग मानते हैं, 7% को लगता है कि कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और 6% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में, पता नहीं कहने वालों का आंकड़ा 7% का। लेकिन बड़ा आप देखिए, बड़ा यहां पर 40% का यह आंकड़ा कहता है आम आदमी पार्टी विकल्प है सही हरभजन सिंह के लिए। सचिन, आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, हरभजन सिंह कौन सी पार्टी में जाए लोगों को भी लगता है आम आदमी पार्टी 40%। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ एक फोटो शेयर की थी अपने ट्विटर अकाउंट पे रिसेंटली, तब से ये चर्चा है, बात जरूर करेंगे कि 40% लोग जो कह रहे हैं कि अगर हरभजन सिंह पॉलिटिक्स में आते हैं तो 40% का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है सही विकल्प है, और 22% कह रहे हैं कि कांग्रेस सही विकल्प है, आपका क्या कहना है इस चीज पर? शायद कांग्रेस को सही विकल्प कहने वाले या तो कुछ समझ नहीं पा रहे या आगे जाके पछताएंगे। जो सिद्धू साहब आज से 3-4 साल पहले कांग्रेस को गालियां निकाल रहे थे, आज वो बीजेपी को गालियां निकाल रहे हैं, कल वो किसी और को गालियां निकाल सकते हैं। और हरभजन सिंह एक क्रिकेटर हैं, एक मंझे हुए क्रिकेटर जरूर थे, उनकी सियासी पारी कैसी रहेगी किसी को कुछ नहीं पता, और मुझे लगता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करेंगे अगर वो अपना आगे का समय जो है इज्जत के साथ कहीं पे भी गुजारना चाहेंगे। तो शायद जो ये कहानी है या जो ये इलेक्शन है ये आम आदमी पार्टी के फेवर में ही जाने वाले हैं, क्योंकि लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं आगे क्या हो रहा है, ये बाकी पुरानी पार्टियां क्या करती हैं। ठीक है,
ठीक है सचिन, तो हरभजन सिंह अगर देखते हैं कौन सी पार्टी चुनते हैं, लेकिन 71% ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए। चुनावी राज्यों का साप्ताहिक सर्वे सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। राज्यों में आखिर जनता के मन की बात क्या है, मूड क्या कहता है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक और राज्य चलते हैं, देखिए इस वक्त मैं कहां पर हूं, आप घंटियों की आवाजें भी सुन रहे होंगे। गंगा किनारे लक्ष्मण झूला मेरे पीछे, यानी कि देवभूमि का जिक्र कर लेते हैं, देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है? सियासी दल तो अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है, इसी को लेकर सवाल। सबसे पहला सवाल है कि मोदी के दौरों से बीजेपी को क्या फायदा होने जा रहा है, सी वोटर का सर्वे। क्योंकि देखिए अब तो चुनावी रैलियों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, क्या बीजेपी को उससे फायदा मिलेगा? तो सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, यानी कि लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ कहने वाले लोग 59% हैं जिन्हें लगता है कि बिल्कुल बीजेपी को फायदा होगा प्रधानमंत्री की रैलियों से, लेकिन 29% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा, और 12% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पता फायदा होगा या फिर नहीं, लेकिन 59% लोगों को लगता है कि बिल्कुल उत्तराखंड में फायदा होगा प्रधानमंत्री की इन रैलियों से। दिबांग, आपका आंकलन क्या कह रहा है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका जरूर फायदा होगा। ये रैली कर चुके हैं और कई जो रैलियां की हैं, अब बाकी दल अब उस तरह की रैली नहीं कर पाएंगे, तो इनिशियल पहले सबसे पहले मूव किया उसका फायदा होगा, रैलियां जो की उसका फायदा होगा। 15 तारीख को इस पर दोबारा विचार करेगा चुनाव आयोग, लेकिन जरूर ये प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की हैं वो उनको फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैलियां हो चुकी हैं और यहां पर लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल फायदा होने जा रहा है। ठीक है दिबंगा, आप रहिए मेरे साथ। अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं का परिवार के लिए टिकट मांगना सही है या फिर गलत? कांग्रेस नेता जो अपने परिवार वालों के लिए टिकट मांग रहे हैं, लोग इसे कैसे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सही या फिर गलत? तो देखिए सर्वे क्या कहता है, यहाँ पर 27% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन गलत कहने वाले लोगों का आंकड़ा ज्यादा, 61% कह रहे हैं कि बिल्कुल परिवार के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, और अगर ऐसा सियासी दल कर रहे हैं तो ये गलत है। 12% कह रहे हैं कि नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम। दिबांग, ये तो एक तरीके से कांग्रेस नेताओं का जो परिवार के लिए टिकट मांगना, ये तो जनता को भी समझ में आ रहा है कि भाई परिवारवाद चल रहा है, 61% कह रहे हैं गलत है सीधे। जनता इसको बखूबी समझती है, जनता लगातार सालों से इसको समझती आई है, जनता कांग्रेस का जो बड़ा परिवार है गांधी परिवार उसको भी देखती आई है, इसको गलत मानती है, लेकिन इसके बावजूद ये टिकट दिए जाते हैं, परिवार वालों को दिए जाते हैं, और एक तरीके से लोकतंत्र का ये मजाक है, यानी लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, और अगर आप परिवार को लगातार अपना टिकट देते रहेंगे तो सबको मौका कैसे मिल पाएगा? ऐसे में जो परिवार है उनका जवाब ये रहता है कि जरूर हमने टिकट दिए होंगे, लेकिन वो चुनकर आते हैं, चुनकर तो जब जनता के सामने जाते हैं, जनता उनको वोट देती है तभी चुनकर आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बड़ी पार्टी में जब आप पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता होते हैं, जब आप पहली बार भाषण देने वाले कार्यकर्ता होते हैं, लोगों को भी समझ में आता है। राजनीतिक दल अगर जनता को बेवकूफ समझते हैं तो बिल्कुल नहीं, यही ये आंकड़ा भी कह रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि परिवारवाद किसे कहते हैं, और आखिर नेता जो है वो अपने लिए टिकट मांगकर किसका फायदा चाहते हैं। तो देखिए 10 फरवरी से शुरू हो रही है वोटिंग और 10 मार्च को आएंगे नतीजे, और उससे पहले 10 जनवरी यानी कल शाम 4 बजे से देखिए 5 राज्यों का ओपिनियन पोल सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।